चाहे आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो या फिर एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन हो, स्कॉर्पियो आपके पास जब तक नहीं है तब तक आपका एक स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट नहीं होता। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं हूँ आपका होस्ट ऋतिक एंड ईशान पाजी हमारे साथ है। मैं आ चुका हूँ मालवा महिंद्रा करोल बाग के अंदर एंड मेरे साथ है स्कॉर्पियो का एस क्लासिक वाला वेरियंट। एंड आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी का इतना ज़्यादा हाइप क्यों है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइसिंग एंड वेरिएंट की बात कर लेता हूँ, सो मेरे साथ खड़ा हुआ स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वाला वेरिएंट एंड इसकी प्राइसिंग है 16,43,000 रुपये। अगर इस गाड़ी यहाँ पे मैं चाबी की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको बहुत बेसिक सी चाबी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बट आपको सेंट्रल लॉकिंग बाहर से ही लगवानी पड़ेगी। जो इस गाड़ी के हेडलैम्प्स है वो आपको येलो लाइट वाले ही मिलेंगे एंड दे आर डुअल वन, सो दिस वन इज़ फॉर द लो बीम, दिस वन इज़ फॉर द हाई बीम। अगेन आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग भी मिल जाती है, आपको यहाँ पे 6-spoke वाली की भी ग्रिल मिल जाती है, आपको यहाँ पे अगेन इसके अंदर भी क्रोम वाली गार्निशिंग मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी। जो इस गाड़ी का बम्पर है वो आपको यू नो प्लास्टिक वाला ही मिलता हुआ दिखेगा, बट इट लुक्स वेरी वेरी स्टेल्थ एट द सेम टाइम। अगेन आपको यहाँ पे हुड स्कूप भी दे दिए गए ताकि यू नो लोग पहचान सके कि आप कुछ बहुत अच्छी सी स्टेल्थ सी एक पावरफुल सी गाड़ी चला रहे हैं। अगेन जो गाड़ी के इंडिकेटर है वो यहाँ फेंडर पे ही लोकेट कर दिए गए। अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं टायर की बात कर ले तो सब यहाँ पे ब्रिस्टो का टायर मिल जाता है एंड टायर साइज 235/65R17 इंच की आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। फुट रेस्ट भी आपको यहाँ पे दे दिए गए बिकॉज इस गाड़ी की हाइट है 209 mm की। अगर इस गाड़ी की यू नो मैं यहाँ पे लेंथ की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे 2400 mm की मोटा मोटी लेंथ मिल जाती है। 2680 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस भी दे दिया गया एंड अगेन अगर आपको ये वाले ओवर व्हील एडजस्ट करने सो मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डी वो हो जाते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाएगी फ्रॉम महिंद्रा इटसेल्फ। अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे रियर की ओर चल लेते हैं, इसकी यहाँ पे मैं टेल लाइट की ही बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ओजी स्कॉर्पियो की टेल लाइट मिल जाती है, विच इज अगेन LED वन। आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो एस क्लासिक की भी बाजिंग मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अगेन सेंसर्स दे दिए गए, एक फुट रेस्ट भी दे दिया गया है एंड अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं डिक्की की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको इस गाड़ी की डिक्की के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सीट स्पेस मिल जाती है वंस दी सीट्स आर अप, बट अगेन बंदा यहाँ पे यू नो थोड़ा अनकंफर्टेबली बैठ सकता है एंड छोटे बच्चे बैठा जाए तो डैट वुड बी अ प्रेफरेबल पार्ट। इस वाली स्कॉर्पियो की अगेन जो रियर सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके कैप्टन सीट वाले वेरिएंट से, बिकॉज यू नो वन माइट फील अनकंफर्टेबल सिटिंग इनसाइड दैट वन बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है एंड आपका फिर अगेन इस वाले डोर पे ज़रूर लग सकता है। अगर इस गाड़ी की मैं सीट्स की ही बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आपको सेंटर में आर्म रेस्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा एंड अगेन आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल बार भी दे दिए गए बिकॉज इस गाड़ी के अंदर चढ़ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मैं इस वाले सेंटर पैनल की बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे टिल्टेड वाले कप होल्डर दे दिए गए, आई डोंट नो वाई बिकॉज आप कितने यहाँ पे ईजिली गिर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो वेंट्स भी मिल जाते हैं एंड अगेन अगर आपको पीछे वाली विंडो खोलनी है सो उसके बटन्स भी आपको आगे की तरफ भी दिए हुए हैं, आई डोंट नो वाई। अगेन आपको एक लाइट इधर भी मिल जाती है एंड आपको एक लाइट यहाँ पीछे की तरफ भी ज़रूर दे दी गई है। एंड अगर इस गाड़ी के मैं ओवरऑल इंटीरियर कलर कॉन्ट्रास्ट की बात कर लूँ सो इट इज़ ऑन द वेरी वेरी ब्राइटर साइड, सो यू नो क्लॉस्ट्रोफोबिक तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। स्कॉर्पियो क्लासिक का जो कॉकपिट एरिया है वो अगेन बहुत बेसिक सा है, बट आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के राजा महाराजा वाली फीलिंग तो आ ही जाती है। अगर इस गाड़ी के मैं ये वाला डोर पैनल की बात कर लेता हूँ, सबको बहुत बेसिक सा डोर पैनल मिल जाता है, आपको इसके अंदर एक फैब्रिक भी दे दिया गया है, एक ग्राफ हैंडल बार भी दे दिया गया है एंड अगेन अगर आपको अपने ये वाले ओवर व्यू सेट करने सो उसका बटन आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख जाएगा। अगर इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, सो अगेन आपको ये वाली गाड़ी ऐसे यहाँ पे चाबी लगा के ही स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड आपको इस की फॉब के अंदर भी इल्यूमिनेशन मिल जाती है। योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ लोकेटेड ओवर हेयर अगेन एंड अगेन आप अपना जो फ्यूल वाला लीड है वो इससे खोल सकते हैं, आपको हेडलाइट लेवल भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस गाड़ी के मैं ये वाला स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, सो अगेन इट इज़ ऑन द वेरी वेरी बेसिक साइड बट बहुत हेवी एंड बहुत स्टेल लुक यहाँ पे आ जाती है। अगेन जो ये वाली MID है ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड आई मस्ट से जो आपको 2004, 2005 या 2012 तक भी आती थी स्कॉर्पियो, आपको उसके अंदर भी ये वाली MID मिलती थी, बट अगेन इसको देखने की ना एक बात ही अलग, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग मुझे यहाँ पे मिलती हुई ज़रूर दिख रही है। स्कॉर्पियो का सेंटर वाला पैनल भी जो है वो बहुत बेसिक सा ही है, अगेन आपको यहाँ पे दो वेंट्स मिल जाते हैं, स्टीरियो आपको यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखेगा, आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। जो इस गाड़ी का ये वाला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है अगेन वो मैनुअल वाला ही है, आप अपना फोन या सेंटर में अगेन ऐसे
रख सकते हैं। आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। और 6-speed गियरबॉक्स इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर। आपको यहाँ पे एक मैट भी दे दिया ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सामान या फिर फोन यहाँ पे फिस लेना एंड आप वो आराम से रख सके। आपको इधर हैंड ब्रेक भी दे दी गई है। जो बटन फॉर पावर विंडो आर ऑल्सो लोकेटेड ओवर। द आर्म्स इज मिसिंग इन द सेंटर व्हिच इज आई थिंक इज अ मेजर सेटबैक फॉर द स्कॉर्पियो इटसेल्फ। अगेन जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको अगेन काफ़ी सारे प्लास्टिक बिट्स इस वाले डैशबोर्ड में मिलते हुए जरूर दिख जाएंगे। योर स्कॉर्पियो बैजिंग इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर टू। अगर इस गाड़ी की मैं ग्लव बॉक्स की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग भी नहीं मिलेगी एंड यू कैन कीप आई थिंक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर टू। अगर मैं इस वाले ब्लाइंड की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है एंड जो ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ अगेन नहीं दिखेगा। जो आपका IRVM है उसके अंदर आपको मैनुअल डिपिंग मिल जाती है। और अगर इस गाड़ी की मैं ए पिलर एंड बी पिलर की बात कर लेता हूँ सो अगेन वो छोटे से ही हैं सो ब्लाइंड स्पॉट तो बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए एंड आई कैन लिटरली सी द ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ दिस हुड एट द सेम टाइम। स्कॉर्पियो क्लासिक का हुड खोलने में एक अलग ही मज़ा है बिकॉज आपको इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक स्टार्ट मिल जाते हैं इसके हुड के अंदर एंड जिसका हुड है वो इतनी आसानी से यहाँ पे खुल जाता है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएगी बिकॉज द इंजन इज़ ऑन द वेरी वेरी नॉइजी साइड। अगर मैं इस स्पेसिफिक इंजन की ही बात कर लेता हूँ सो दिस वन इज़ अ 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल मोटर एंड ये MHOG के नाम से जानी जाती है एंड इसके अंदर आपको 130 BHP एंड 300 NM का टॉर्क मिल जाता है एंड दैट्स वॉट यू नीड टू गेट यू आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और मे बी एन ऑफ रोडिंग ऑब्स्टेकल। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी की बात कर तो आपको इस गाड़ी के अंदर 7 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है बट अगेन सिंस दिस कार हैज़ अ वेरी बॉक्सी डिज़ाइन यू नो ये एरोडायनामिकली इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है सो फ्यूल की जो माइलेज है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम आपको मिलती हुई जरूर दिख सकती है। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ सो आपको बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी बिकॉज इसके क्रैश टेस्ट वाले मैंने वीडियो देखे जहाँ पे इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था बट दिस डज कम विद द 2 एयरबैग्स एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ सो अगेन इसका एक अलग ही भोकाल है इसका एक अलग ही रोल है एंड यू नो जब आप ये वाली गाड़ी चलाते हैं इसकी एक अलग ही कमांडिंग पोजीशन आपको देखने को जरूर मिल जाती है। सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट अगर आपकी जेब में 16-17 लाख रुपए हैं तो आपको इस वाली गाड़ी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वेल आई माइट से बिकॉज ये वाली जो गाड़ी है ये एक शौकिया कार है एंड जो भी बंदा इसको लेगा वो अपने शौक के लिए ही लेगा बेसिक नीड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं लेगा। सो अगेन ये वाली गाड़ी अगर आपको एक शौक है आप स्कॉर्पियो रखने का सो डेफिनेटली आप ये वाली गाड़ी ले सकते हैं बट अगेन वॉट आई थिंक इज आपको 16-17 लाख के बजट में एक अच्छी खासी गाड़ी भी इससे ज़्यादा मिल सकती है। अगेन अगर आपको महिंद्रा की ये वाली स्कॉर्पियो या फिर आपको ये वाली XUV 3XO या फिर आपको वो पीछे खड़ी हुई XUV 700 लेनी हो यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट मालवा महिंद्रा करोलबाग। इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इन लोगों की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा ताकि आप उनको अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सके एंड इनकी सर्विसेज को अवेल कर सके। अगेन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। हम फिर से आते रहेंगे और ऐसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।